चौथीच्या मुहूर्तावर नव्या संसद भवनाचे उक्तावण झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहित सगळ्या खासदारांची एंट्री, त्याचे पहिली सर्वपक्षीय फोटो सेशनही झाले. नव्या संसदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या पहिल्या भाषणात बायला सशक्तीकरणाचेर उलवप केले. नारी शक्ती वंदन विधेयक हे लोकसभा विधानसभेत बायलांक 33% रिझर्वेशनचे बिल टेबल केले. नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है. अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं. महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं. अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए. महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है. हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है. कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है. तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें. अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है. इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है. नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा.